जी मैं आनंदी बोल रही हूँ, अमोल की माँ। इस वक्त आपको परेशान करने के लिए माफी चाहूंगी। मैं बस इतना जानना चाहती थी कि अमोल ठीक तो है ना? अरे आनंदी जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, वो बिल्कुल ठीक है। नहीं, वैसे परेशानी की कोई खास वजह तो नहीं थी, मैं बस। नहीं, कोई बात नहीं, बस वो बिल्कुल ठीक है, आप उसकी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। अमूल तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उसका पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। जी थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। एक बार फिर से आपसे माफी चाहूंगी, रखती हूँ। समझ सकती हूँ, अमूल को लेकर तुम्हें बहुत फिक्र हो रही होगी, लेकिन बेटा बच्चे अपने आप को नए माहौल में बड़ों से कई ज्यादा जल्दी ढाल लेते हैं। अमूल भी अपने आप को संभाल लेगा, डोंट वरी। देखिए तो सही, कैसे? पता नहीं मासा, इनके काम की कोई चीज होगी, आएंगे तो खुद ही देख लेंगे, मैं रख देती हूँ। अरे देखो तो सही, देखो तो नहीं कैसे? टूटने फूटने वाली चीज तो ना है ना? हाँ दादी साहब, और अगर टूटने वाली चीज हुई तो ऐसे तो टूट जाएगी ना? सही कह रहे, तो अगर कोई टूटने फूटने वाली चीज हुई और टूट गई तो नुकसान हो जाएगा। हाँ मासा, मैं रख देती हूँ इसे संभाल के। रखो तो सही, अरे बड़ी जल्दी पड़ी इसे जाके रखने की। लेकिन अगर भैरों ने मंगाए हुए मने कहीं ना बताया, वैसे तो हमेशा बता दे वो मने तो पहले ध्यान रखो। काम करे थोड़ी ले मने से पता तो चले कैसे के अंदर। मासा ऐसे खोलेगी तो इसे फाड़ना पड़ेगा ना? हाँ तो जादू तो आवे कि बिना फाड़े बता देवे कि कैसे, मैं तो बता। बच्चों जैसी बातें करे, जा जाकर क्या चीज है छुरी ले आ जल्दी से। अरे अब तक खड़ी है, कैची ना समझिए। मैं जाती हूँ पैसा। अरे हाँ, इसके पैर तो हाँ, लेकिन तू अपनी कार में बैठ के खेल सकता है, इतनी परमिशन है तुझे। क्यों परेशान करो तुम दोनों से, जाने दो ना बेचारे को। जाने देंगे, लेकिन इसे हमारे साथ एक मैच खेलना पड़ेगा। तुम्हें सबसे आगे सबसे ऊपर पहुंचना है। हाँ रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आएंगी, तकलीफ मिलेंगी, लेकिन अगर तुम उन सबसे डर गए ना तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए आगे बढ़ने के लिए तुम्हें उन सबका हिम्मत से सामना करना होगा। देखना जल्दी मैं क्रिकेट हॉकी सब खेलूंगा। तो कुछ आसान उठना, उठोगे साथ फ्रेंड? अरे गंगा, अरे कहाँ रह गई? अरे कैंची लावे है तो कैंची में धार लगावे।
जी दादी साहब, दादी साहब वो कैंची नहीं मिली। हाँ तो मरण दे कैंची, जा जाके छुरी ले आ रसोई से, जा जल्दी। कितनी अजीब बात है ना मासा, मैं अभी कुछ देर पहले प्याज काटने के लिए ना छुरी ढूंढ रही थी, मिली नहीं रही थी। अजीब बात है, ना छुरी मिल रही है ना कैंची मिल रही है। अरे हो के गए हो तुम तीनों को, थोड़ी देर पहले गैणा को चंदन ना मिल रहे हो तो अब गंगा को कैंची ना मिल रही और तने छुरी ना मिल रही। इस उम्र में भी हमारी आंखें तुम सबकी आंखों से ज्यादा तेज है। मैं देखता हूँ कहाँ रह गई छुरी। सुनिए जी, वो नामकरण पे जो भेंटे देनी है ना वो आ गई हैं, पर वो डिब्बा गलती से मासा के हाथ लग गया है। अब वो खोलने पर तुली है, उसे कुछ कीजिए, आप सोचिए, रोकिए उन्हें। जे जे के छुरी है जे कुछ और सामने राखी चीज दिखाई ना देवे तुम लोगों को। आपके लिए इनका। हाँ भैरव बोल। है कुत्ते अच्छा ठीक है ठीक है, अभी अभी भिजवाऊँ। हाँ छोरा चल, भैरों को रोकने की जरूरत है, कमरे से लेकर आऊँ तब तक माखन को बता दे तैयार रहे, गोदाम जानो। हाँ गंगा, अब तो इस डिब्बे को ले जाके छुपा के रख दे कहीं। फिर देवी माँ बस मासा इस डिब्बे की सारी बात भूल जाए। शट अप सौरभ, अगर तुम ऐसी उल्टी सीधी बातें करोगे तो मैं फोन रख दूंगी। और हाँ जी, सीरियसली अंकिता, काउंसलिंग सेशन से बहुत फायदा हो रहा है मुझे, बहुत अच्छा डिसीजन लिया है मैंने। मॉम, अंकिता, आई विल टॉक टू यू लेटर, ओके? बाय। कुछ काम था? नहीं बेटा, साची सिर्फ तुझे ही नहीं हमें भी ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि काउंसलिंग सेशन से तुझमें इतना फर्क आया। आनंदी ने वाकई बहुत सही किया जो तुझे सेशन में भेजने की बात कही। हाँ मॉम, आनंदी भाभी ने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, उनको तो बहुत सारे थैंक्स बनते हैं। अच्छा सुन, मैं तुझे याद दिलाने आई थी कि सुबह तैयार रहना, जगदीश की बेटी का नामकरण है, कल्याणी जी ने न्योता दिया है, हमें जाना है। इतनी गंदी जबान से मेरा नाम लेने की तुम्हें जरूरत नहीं है, वो तो गंगा पागल है जो तुमसे बात कर रही है, ये जानते हुए कि तुम उसे और मेरे बच्चे को जान से मारने के लिए आई थी। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने साची, बहुत बर्दाश्त कर लिया। मेरे बच्चे मेरी पत्नी के साथ कुछ हो जाता और इस बात का पता मुझे बाद में चलता कि इन सबका कारण तुम हो, तो मैं उदयपुर आकर तुम्हारे साथ क्या करता है इस बात को मैं भी नहीं जानता। साची अगर तुम मुझे और गंगा को साथ में खुश नहीं देख सकती तो हमारे सामने बिल्कुल मत आना और मेरे परिवार से मिलने जुलने की कोशिश बिल्कुल मत कर। जाने का मन तो मेरा भी है मॉम, लेकिन इस बार मैं आप लोगों के साथ नहीं आ पाऊंगी। एक्चुअली कल मेरा काउंसलिंग सेशन है ना, और मैं एक भी सेशन मिस नहीं करना चाहती। हर बार थोड़ा फर्क पड़ता है और जो रिदम बनी हुई है उसे मैं तोड़ना नहीं चाहती हूँ। मेरा भी बहुत मन था गंगा को देखने का। आपने ही कहा था ना कि एक औरत बच्चे को जन्म देने के बाद और भी ज्यादा प्यारी और ग्रेसफुल हो जाती है, ये फर्क मैं अपनी आंखों से देखना चाहती थी। लेकिन हाँ बेटा, वो बात तो है, पर मैं भी नहीं चाहती हूँ कि तू अपना सेशन मिस करे। पर साची तुझे दिन भर अकेले रहना पड़ेगा, रह लेगी ना तू? ना, मुझे दूध कौन पिलाएगा और घुमाने लेके कौन जाएगा? ओहो मम्मा, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, और फिर पहले भी तो अकेली रही हूँ ना, और रात तक तो आप लोग वापस आ ही जाएंगे। हाँ बेटा ठीक है, मैं सुबह जाने के पहले तेरे लिए कुछ बना के जाऊंगी। गुड नाइट। गुड नाइट। नॉट बैड साची,
तो फिर ठीक है, कल मैं सौरभ को एक प्यारा सा रोमांटिक सा सरप्राइज दूंगी। बाबा जी ये वाला है ना, ये यहाँ लगा लो यहाँ पे ऐसे। अरे नहीं नहीं भैया, आप भी ना। पापा जी ये अलग अलग रंग के फूलों का गुलदस्ता, ये कॉम्बिनेशन कुछ मैच नहीं करेगा। आप मेरी बात मानिए, आप ये लाल रंग के गुलाब है ना, सिर्फ लाल रंग के गुलाबों का गुलदस्ता बनाइए, बहुत खूबसूरत लगेगा। भैया मेरी बात सुनिए, ये व्हाइट वाले छोटे छोटे फ्लावर ना, इनको तो आप लगा ही लीजिए। अरे अच्छा जी मेरी बात मानिए, ये मजा नहीं आ रहा है, आप सिर्फ लाल रंग के गुलाबों का बनाएंगे ना, सच्ची में बोल रहा हूँ, बहुत मजा आएगा। पापा जी इन लोगों की बातों में आ गए ना, तो जगदीश के बेटे के बड़े होने तक आप गुलदस्ता ही बनाते रह जाएंगे। ये क्या बात हुई भाभी, अरे हम तो पापा जी को एक बेस्ट और अच्छा खूबसूरत गुलदस्ता बनाने में उनकी मदद कर रहे हैं, क्यों भैया? सही है, और नहीं तो क्या। और पापा जी ये गुलदस्ता कल्याणी जी को देने के लिए बना रहे हैं, गुलदस्ता भी कुछ स्पेशल होना चाहिए। पापा जी आप लगा लीजिए, ये लीजिए लगाइए। अरे पापा जी मेरी बात मानिए, सिर्फ लाल रंग का बनाइए। खामोश, मेरा मजाक उड़ाने वाले ये ना भूलें कि मेरे शरीर में अभी इतनी जान है कि मैं जूनियर्स का कोर्ट मार्शल कर सकता हूँ। मैं अपने आप करूंगा सब, बस। बस हो गया, फर्स्ट क्लास। अच्छा सांची, तुम पक्का अकेले घर पे रह लोगी ना? ऑफ कोर्स दद्दू, मैंने कहा ना मैं रह लूंगी। इनफैक्ट अब आप लोगों को जल्दी से निकल जाना चाहिए, वरना आपका ये बुके रास्ते में ही सूख जाएगा। ए, क्या खूब, वही हमारा छोटा शहजादा। अच्छा चले, अब मीनू कहाँ है? आप लोग गाड़ी निकालिए, मैं मीनू के साथ आती हूँ। चलो भाई लेट्स गो। आजा बेटा शिव। तुम्हें सीरियसली हाथ पढ़ना आता है? हाथ? तुम कुछ पल के लिए मेरी आंखों में तो देखो, इन्हें भी पढ़ सकता हूँ और बहुत कुछ बता सकता हूँ। Nothing, mom का फोन है, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ जी मॉम जी। हाय सांची। हाय सौरभ, मिलोगे आज? आज सांची पहले बताना चाहिए था ना, आज मैं डैड के साथ ऑफिस हूँ। मुझे जबरदस्ती पकड़ के लिए बोल रहे हैं कि बिजनेस सिखाएंगे। ओह नो, एक्चुअली आज ना मैं घर पे अकेली थी, तो सोचा हम सारा दिन साथ में स्पेंड कर सकते हैं, कोई मूवी देखेंगे, लंच करेंगे। पर घर पे अकेली हो तुम? हाँ, वो घर के सारे लोग जैतसर गए ना किसी फंक्शन में। ओह, तो घर पे अकेली हो तुम? सांची घर तो कोई चक्कर चलाना पड़ेगा, अब एक खूबसूरत प्रिंसेस को घर पे अकेले बोर होने के लिए कैसे छोड़ सकता हूँ मैं? सांची तुम एक काम करो, थोड़ा टाइम वेट करो, मैं डैड से बहाना बना के निकलता हूँ। और आते वक्त पियर और डीवीडी साथ में लेके आता हूँ, तुम्हारे घर पे बैठ के चिल मारेंगे। अब घर पे क्यों सौरभ, बाहर मिलते हैं ना? सांची बाहर तो हम रोज मिलते हैं, स्पेशल मौका है, तो इस डेट को भी स्पेशल बनाते हैं ना। सांची मुझे डैड बुला रहे हैं। वो तो मैं बाद में मिलता हूँ। ओके बाय बाय बाय, सी यू, लव यू, बाय। सो मैंने मॉम को उल्लू बना दिया और अब आराम से हमारे पास एक दो घंटे। तो आई थिंक मैं इस खूबसूरत सी प्रिंसेस का हाथ देख रहा था, राइट? हाँ?
बाहर है? कै फुर्सत से बैठे हो तुम तीनों? चलो मंदिर में लोग आने भी शुरू हो गए होंगे, चलो जल्दी करो। हाँ चलो जल्दी। मासा निजर ना लगे किसी की, आज आप बहुत ही अच्छी लग रही हैं। हाँ उड़ा लो हंसी इस टोकरी की, इस बुढ़ापे में तो किसी आधे की निजर लग सके, या फिर इस बात की भी लग सके। जैसे कलयुग में भी ऐसे संस्कारी बेटा बहू मिले हमारे को। अंकिता, मैं कब से तेरा फोन ट्राई कर रही हूँ, एक जबरदस्त न्यूज़ देनी है तुझे। तू पार्टी दे रही है क्या? Full of boys and booze? अरे यार वो सब तो बाद में भी कभी हो सकता है ना, ये न्यूज़ उससे भी ज़्यादा खास है। आज मेरी पूरी फैमिली जैसर गई है और मैं घर पे अकेली हूँ। And guess what? आज मुझे घर में कंपनी देने के लिए कौन आ रहा है? सौरभ। Really? Yes. आज पहली बार हम दोनों, आई मीन सिर्फ हम दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे, वरना तुम लोग तो हमेशा हमें घेर के बैठे रहते हो। हाउ मीन सांची। अरे यार बस मस्ती कर रही हूँ, यू नो आज मैं इतनी 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 एक्साइटेड हूँ कि समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। सोच रही हूँ कि सौरभ के लिए अपने हाथों से कुछ बनाऊँ। ये वो क्रेजी ना? एब्सोल्युटली क्रेजी। आई मीन आई कैन अंडरस्टैंड, तू और वो अकेले, और फिर ये वो। शट अप अंकिता, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस कुछ अच्छे मोमेंट्स के बारे में सोच रही थी, उससे आगे कुछ नहीं। एन आइडिया इज दिस कि मैं ढेर सारे पॉपकॉर्न्स बनाऊंगी विद लॉट्स ऑफ बटर एंड देन जस्ट मी एंड सौरभ सोफे पे बैठ के साथ-साथ क्लासिक रोमांटिक मूवीज देखेंगे सारा दिन, शेयरिंग बकेट्स ऑफ पॉपकॉर्न्स, नो एक्चुअली जस्ट वन बकेट ऑफ पॉपकॉर्न। और फिर अगर मैं उठूंगी तो बस उसके और अपने लिए चॉकलेट मिल्कशेक बनाने के लिए। और वो तुम दोनों एक ही ग्लास में पियोगे है ना? Not at all. मैं किसी का झूठा खा पी नहीं सकती, इसलिए ग्लासेस तो अलग होंगे। ओके ठीक, मजे करना और फिर मुझे फोन करके जरूर बताना अपने इस खूबसूरत से दिन के बारे में। ओके? Yes, sure. आज का दिन मेरी जिंदगी का बहुत खास दिन बनने वाला है। बाय बाय, हैव फन। सॉरी अंकिता, मैं तुमसे आज मिल नहीं पाऊंगा, वो कुछ अर्जेंट आ गया तो। कमीने, मुझे सब पता है तेरा अर्जेंट काम क्या है, सांची से मिलने जा रहा है ना तू? तू तुझे कैसे पता ये? वाओ, आई लाइक दैट, बट डोंट वरी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तू सांची के घर गया था। बट तुझे किसने कहा ये सब? सांची ने, और किसने बाबा? इस दिन को रोमांटिक बनाने का यही प्लान है ना उसका, चॉकलेट मिल्क शेक्स, पॉपकॉर्न और रोमांटिक क्लासी मूवीज। सौरभ और चॉकलेट मिल्कशेक? नो, मेरे प्लान की शुरुआत तो बियर से होती और एंड तो तू जानती ही है। या आई नो, बट सांची इतनी भी डम्बो नहीं है, वो तुझे हाथ भी नहीं लगाने देगी। ओ लेट्स सी, फिर तो गेम में और मजा आएगा। ओके कूल, ऑल द बेस्ट। और बाय द वे, फोन करके मुझे जरूर बताना कि तेरे इस प्लान का दी एंड कैसे हुआ। शट अप। कॉन्स तो है ही नहीं, अब मैं पॉपकॉर्न क्या खाक बनाऊंगी? मुझे पहले चेक कर लेना चाहिए था, अब तो सौरभ आता ही होगा, क्या करूं? यस ये सौरभ फोन क्यों नहीं उठा रहा है? सांची प्लीज, अब ये मत कहना कि तुमने अपना प्लान कैंसिल कर दिया है। अरे नहीं बाबा, मैंने तो बस ये जानने के लिए फोन किया था कि तुम हो कहाँ। तुम्हारी रोमांटिक क्लासिक्स पूरे उदयपुर में घूमकर कलेक्ट की है मैंने। ओह सो स्वीट। कुछ और चाहिए, कोई और फरमाइश? सिर्फ तुम। सांची सच बताऊं,
मुझे भी इस वक्त तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम। अच्छा लिसन ना, आज हम लोग खाना कहीं बाहर से ऑर्डर करें? ऐसे तो मॉम खाना बना के गई हैं। पर आई थिंक आज के हमारे रोमांटिक डेट के साथ ये दाल चावल और सब्जी सूट नहीं करेंगे। सो कम ऑन साची, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ और तुम्हें खाने की पड़ी? साची आई एम सीरियस, मुझे तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा साथ इम्पोर्टेंट है, ना कि खाना, है ना? तो अब रखूं? या पूरा दिन फोन पे ही बात करके गुजारने का इरादा है? नो नो, मैं रख रही हूँ ना, बस तुम जल्दी से आ जाओ। 20 मिनट प्रॉमिस। ओके बाय। इससे ज्यादा वेट तो मैं भी नहीं कर सकता बेबी। आप लोगों को जो कुछ भी बताया वो सब सच है। साची सिर्फ जगदीश से मतलब रखना चाहती थी, उनकी फैमिली को लेकर कोई फीलिंग नहीं थी इसके मन में। उस दिन कॉफी शॉप में भी इसने जो कुछ भी कहा था वो सब अपने दिल की बात कही थी। तो मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर? मैं तो ये सोच रही हूँ कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ तक आने की। बट इट्स ओके ना, जो लड़की अपनी बेस्ट फ्रेंड को चीट कर सकती है वो तो कुछ भी कर सकती है, राइट? पास्ट में जो कुछ भी हुआ सांची, उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन मैंने कभी तुम्हारे साथ कोई चीटिंग नहीं करी। मैंने तो बस वही किया जो मुझे उस टाइम सही लगा था तुम्हारे लिए। जस्ट शट अप पायल, तुम में और तुम्हारी इन बकवास स्टोरीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे, इसलिए प्लीज लीव। बस एक बात सुनोगी सांची मेरी? मैं अंदर आ जाऊं प्लीज? सांची मैं तुमसे मैं अंदर आने दिया इसका मतलब ये मत समझना कि हमारी फ्रेंडशिप पहले जैसी हो जाएगी। जो कहना है जल्दी कहो। इट्स ओके सांची, अगर तुम मुझसे फ्रेंडशिप नहीं रखना चाहती है तो तू बस सौरभ से बात करना छोड़ दे। मैंने बहुत कुछ गलत सुना उसके बारे में, वो अच्छा लड़का नहीं है, वो तो बस तुझे यूज कर रहा है। जस्ट शट योर माउथ पायल। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारी हिम्मत को, जो लड़की खुद फ्रेंडशिप नहीं निभा सकी अब वो मुझे सिखाएगी कि मुझे किससे फ्रेंडशिप करनी चाहिए किससे नहीं। और सौरभ के बारे में तुमने सिर्फ नेगेटिव सुना है, लेकिन तुमने खुद मेरे साथ नेगेटिव किया है। सारी दुनिया के सामने कोर्ट में तुमने मेरे खिलाफ गवाही दी, और अब तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी कोई भी बात सुन लूंगी? वो तो तू गलत रास्ते पर चल रही थी सांची, और तुम्हारी फ्रेंड होने के नाते मेरी ये ड्यूटी थी कि मैं तुम्हें रोकूं, और तुम दोबारा वही मिस्टेक कर रही हो, इसलिए बस मैं तुम्हें रोकना चाहती हूँ। तुम बस सौरभ से बात करना छोड़ दो। दिस इज माई लास्ट वार्निंग टू यू पायल, इसके बाद मैं सौरभ के खिलाफ एक वर्ड नहीं सुनूंगी। दुनिया चाहे कुछ भी कहती हो सौरभ के बारे में, ना मैं वो जानती हूँ ना जानना चाहती हूँ, बट दिस इज फॉर श्योर कि वो तुम्हारी तरह सामने से कुछ और पीछे से कुछ और नहीं है। वो धोखेबाज नहीं है, ही इज अ सच्चा मित्र। अपने दोस्त की अच्छाइयों के साथ बुराइयों को भी अपनाता है और उसे हर कदम पर सतर्क करने से नहीं चूकता।